दोस्तों नमस्कार, आप एटीवी न्यूज़ देख रहे हैं। मैं तिलारी ब्लॉक जिला मुरादाबाद के वाजिदपुर माफी गांव में हूं। वाजिदपुर ग्राम पंचायत है और दूसरी गुलरिया भी इसी में लगती है। यहां पर हम पहुंचे हैं सरकारी स्कूल, एक यहां पर प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल, दोनों कंपोजिट विद्यालय हैं। हालांकि उसकी बिल्डिंग जो है जर्जर हो चुकी है और वो जर्जर में आ चुकी है, लेकिन एक नई बिल्डिंग जो है यहाँ पर बनी हुई है और जो प्राथमिक विद्यालय की यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल की और उसकी बिल्डिंग यहाँ पर नई बिल्डिंग बनी है प्राइमरी की, हम उसकी हालत आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो है उपले रखे हुए हैं, इधर देखो उपले यहाँ पर रखे हुए हैं और ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पर इसकी हालत कितनी ख़राब है आप देखें। नई बिल्डिंग है और किस तरह से इसमें जो है उपले भरे हुए हैं और यहाँ पर इसकी हालत कितनी ख़राब है। ऐसा लगता है जैसे कि सरकारी बिल्डिंग ना होकर कोई निजी संपत्ति किसी की हो, किसी की निजी संपत्ति हो ऐसा लगता है। चलते रहो। देखिए ये स्थिति है, यहाँ पर सब उपले हैं और यहाँ पर पशु बनते हैं, पशु बांधे जाते हैं। ये सरकारी बिल्डिंग पुरानी जर्जर बिल्डिंग की एवज में उसके बदले में ये सरकारी स्कूल बना, प्राइमरी स्कूल, और उसकी ये दशा, ये कब से यहाँ पर बंद पड़ा है इसका कोई पता नहीं है और ग्राम प्रधान को इसकी सूचना है या नहीं है तो हमें मालूम नहीं है, विकास खंड अधिकारी को इसकी सूचना है या नहीं है, लेकिन हम आपको दिखाएं यहाँ पर पशु बंधे हुए हैं और इसकी बहुत ज़्यादा हालत ये ख़राब है। लकड़ियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए ये लकड़ियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं और अंदर दिखाएं कैमरामैन, पूरी स्थिति ये ख़राब है यहाँ पर और ये पूरी स्थिति यही है पूरे सरकारी बिल्डिंग की। इस तरह से इस सरकारी बिल्डिंग का दुरुपयोग यहाँ पर किया जा रहा है। ये दिखाएं कैमरामैन और अंदर आके, कैमरामैन यहाँ पर और दिखाएं, यहाँ पर ये उपले रखे हुए हैं जिन्हें कंडे कहते हैं, जो जलाने के काम आते हैं, जो गोबर से बनाए जाते हैं। और ये इसके बाहर लान में देखिए, जो कि यहाँ पर जो है ये सब्जियाँ वगैरह यहाँ पर बोदी हैं, यहाँ पर पालक वगैरह ये सब कूड़ी का ढेर आप इसका आंगन में देख रहे हैं सरकारी स्कूल के। ये स्थिति इतनी ख़राब है यहाँ पर, ये देखने से लगता ही नहीं कि ये सरकारी बिल्डिंग हो सकती है या ये सरकारी स्कूल हो सकता है। सरकारी मिशन को, सरकारी पैसों को किस तरह चूना लगाया जा रहा है और किस कदर अनदेखी सरकारी कानूनों की जा रही है, इसकी बानगी आप यहाँ देख सकते हैं वाजिदपुर माफी गांव में, जो डिलारी ब्लॉक का है। स्थिति देखिए आप कितनी ख़राब है, जहाँ भी आप देखें उपले हैं, कूड़े के ढेर हैं और स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब है। डंगरों, अब इसका जिम्मेदार कौन है? विकास खंड अधिकारी को क्या इसकी सूचना नहीं है? ग्राम विकास अधिकारी प्रधान को इसकी सूचना नहीं है या कोई सूचना देने वाला है ही नहीं? हालांकि यहाँ पर ग्राम पंचायत पंचायत भवन भी है और यहाँ पर प्राइमरी और जूनियर स्कूल भी हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर कोई पुरानी बिल्डिंगें भी हैं, लेकिन यहाँ पर सब जो है वो तहस नहस और सब व्यवस्था ख़राब है, बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है। गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, अंबार लगे हुए हैं, कूड़ी यहाँ पर पड़ी हुई हैं और सरकारी बिल्डिंग का जो है अनुचित प्रयोग गांव वालों के द्वारा किया जा रहा। हालांकि प्रधान, सेक्रेटरी और विकासखंड अधिकारी इन सब के संज्ञान में होने के बावजूद भी इसकी स्थिति यह है। कैसे देश का विकास हो सकता है, कैसे देश उन्नति कर सकता है? बच्चे के पढ़ने का, विद्या का जो मंदिर है सरकारी, उस विद्या मंदिर की ये स्थिति आप देख रहे हैं, कितनी स्थिति ख़राब है। आंखें बंद करके बैठे हैं आप, देखते रहिए एटीवी न्यूज। मैं शब्बीर मोमिन, इस्लाम अली के साथ।